अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता संगठन के राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महन जी, आदरणीय पुष्पा देवी सिंह जी, नीलोत्पल बसु जी, के यादव रेड्डी जी, इराक्लीस जी, वर्ल्ड पीस काउंसिल के महासचिव अबू हल हायजा जी, फिलिस्तीन के राजदूत कोरोमोतो गोदाय, वेनेजुएला के राजदूत कार्दोबेस आस्कर जी, आदरणीय सुरजन जी, उपस्थित सभी साथीगण, दैयो सज्जनों और पत्रकार मित्रों, मेरे लिए सौभाग्य की विषय है कि अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता संगठन के लगभग 7 दशकों के इतिहास में यह पहला अवसर है कि इस संस्था का राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ में हो रहा है। मुझे यह देखकर भी खुशी हुई कि इस सम्मेलन के लिए परिसर का नाम महात्मा गांधी नगर रखा गया है। आज देश और दुनिया में महात्मा गांधी के 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर वर्ष भर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के दिन विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया था। इस वर्ष जलियांवाला बाग के भी नरसंहार के 100 साल पूरे हुए। इस संगठन के संस्थापकों में से एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सैफुद्दीन किचलू जी भी जलियांवाला बाग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता भी थे। यह संगठन विश्व युद्ध के दौरान विश्व शांति के लिए पंडित नेहरू के योगदान को भी याद दिलाता है। यह संगठन वर्ल्ड पीस काउंसिल, एफ्रो एशियन पीपुल्स सॉलिडेटरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करने वाला दुनिया का बहुत बड़ा संगठन है, जिसमें दुनिया में शांति की स्थापना में समय समय पर अपना बड़ा योगदान दिया है। फिलिस्तीन, वियतनाम, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा में जब नागरिक अधिकारों पर संकट छाया, तब एफसो ने वहाँ शांति और नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। रंगभेद और आणविक हथियारों के खिलाफ हर मौके पर आवाज़ बुलंद किया है। दुनिया में जब जब अशांति के बादल छाते हैं, तब तब एफसो के शांति दूत प्यार और इंसानियत का संदेश लेकर निकल पड़ते हैं। गरीबी, भूख, बीमारी से लड़ती दुनिया में एप्सो की आवाज़ गूंजती है। छत्तीसगढ़ में हमने ललित सुरजन जी को शांति और सद्भाव के आवाज़ के रूप में जाना और सुना है। मुझे खुशी है कि आज उनके नेतृत्व में शांति दूतों का समागम छत्तीसगढ़ में हो रहा है। इस आयोजन में पधारे पल्लव सेन गुप्त जी, एफसो प्रेसिडियम के सदस्य और प्रतिनिधि के रूप में पधारे कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी, डीएमके, आरजेडी, जेडीयू के साथियों का भी हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ कई देशों के प्रतिनिधि पधारे हैं, राजदूत पधारे हैं। मेरा मानना है कि यह सब शांति दूत ही हैं। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। आदरणीय साथियों, मुझे खुशी है आज यहाँ हमारे अपने प्रदेश के 2 वयोवृद्ध शांति दूतों का सम्मान करने का अवसर मिला है। राजनांदगांव के श्री कन्हैयालाल अग्रवाल जी और रायपुर के श्रीमती शीला भगवानानी जी, ये दोनों प्रतीक हैं हमारी परंपरा और विरासत के। दुनिया की यह विडंबना है कि नफरत, हिंसा, नस्लवाद कभी
उपनिवेशवाद के रूप में आता है तो कभी पूंजीवाद और कट्टर राष्ट्रवाद के रूप में। आज दुनिया को, मानवता को सबसे बड़ा खतरा है पूंजीवाद से है, जो कट्टर राष्ट्रवाद का पोषक बनकर फिर एक बार भयभीत कर रहा है। डर दिखाकर हथियार का सौदा करने वाले सौदागर अपने विभत्स रूप के रूप में सामने हैं। हम लोकतंत्र के संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तंत्र के लिए लोग गौण हो गए हैं। सत्ताधारी दल के लोगों को दिग्भ्रमित कर लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में तब्दील करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। संकेत सारे ऐसे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र धीरे धीरे तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। बहुसंख्यक लोगों को इसका एहसास भी नहीं है। जिन्हें इसका एहसास हो गया है वे सड़क पर उतर रहे हैं, लेकिन आश्चर्य है कि उन्हें देशद्रोही कहा जा रहा है। उन पर लाठियां और गोलियां बरसाई जा रही है, जेलों में ठूसा जा रहा है, अब तो शिक्षण संस्थान भी नहीं बचे हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं को लगातार कमजोर किया जा रहा है। वे इस तरह से काम कर रही है कि लोगों का भरोसा उड़ता जा रहा है। कुल मिलाकर यह सब डरावना है, लेकिन यह आश्चर्यजनक कतई नहीं है। सत्ताधारी दल का जन्म जिस आरएसएस विचारधारा से हुआ है वह लोकतंत्र में के पक्ष में कभी भी नहीं था। वह तो हिटलर और मुसोलिनी को अपना आदर्श मानते हैं। वह उपनिवेशवादी अंग्रेजों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ने को भी तैयार था। वह फांसीवादी सोच वाली संस्था है। वह बंटवारे में अपना फायदा देखती है। पहली बार देश में बांटने के पीछे सावरकर की ही सोच थी, जिसे ये वीर कहते हैं। ये अखंड भारत की बात करते हैं, लेकिन इनके सोच में और इनके हरकतों में देश को बार बार बांटने वाली है। 1947 में भारत पहली बार बटा, फिर 1992 में बटा, फिर 2002 में बटा, अब ये फिर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार इनका हथियार राष्ट्रवाद है, और सैमुअल जॉनसन तो 18वीं सदी में ही कह गए थे कि राष्ट्रवाद किसी दुष्ट व्यक्ति के आखिरी शरणगाह होता है। देखिए इन्होंने राष्ट्रवाद का कैसा छद्म रचा है। आरएसएस के राष्ट्रवाद के चश्मे में से महात्मा गांधी तक विलेन नजर आते हैं। पानसरे, दाभोलकर और गौरी लंकेश के देश के लिए खतरा नजर आते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवाद को मानवता के लिए खतरा माना था, और उनकी स्पष्ट राय थी भारत नानक, कबीर और चैतन्य के विचारों से ही एक होता है, राजनीतिक रूप से नहीं। वे मानते थे कि कट्टर राष्ट्रवाद ही आखिरी युद्धोन्माद पैदा करता है। हिटलर का राष्ट्रवाद जिस सनक से पैदा हुआ था, आरएसएस और भाजपा का राष्ट्रवाद भी उसी तरह सनक से पैदा हुआ राष्ट्रवाद है। आखिर भाजपा भी तो दुश्मनों को दुश्मन का डर दिखाकर युद्धोन्माद पैदा करना चाहती है। कभी वे बांग्लादेशियों के नाम से डराते हैं, तो कभी पुलवामा के विस्फोट का सहारा लेते हैं, तो कभी वे कहते हैं हमारे पास परमाणु बम दिखाने के लिए नहीं है। परमाणु बम हमारे लिए दिखाने के लिए नहीं, दीपावली में फोड़ने के लिए नहीं रखा गया है। नेहरू और इंदिरा ने गुट निरपेक्षता तो अपनी ताकत पर ताकत माना था और भारत को सम्मान और गरिमा दिलाई थी, लेकिन भाजपा की सरकार ने इस ताने बाने को ही छिन्न भिन्न कर दिया है, और अब ये कथित महाशक्तियों की गोद में बैठने पर आतुर दिखाई देते हैं। भारत को परमाणु शक्ति इंदिरा गांधी के समय हासिल हुई, लेकिन पहले प्रयोग न करने की शपथ भी साथ में आई थी, लेकिन इनकी मंशा तो परमाणु हथियारों का डर दिखाने की ही नहीं दिखती है। भारत विश्व शांति का दूत था, वह पड़ोसी देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ने की हिमायती था, लेकिन आज भारत के संबंध किसी पड़ोसी देश के साथ ठीक नजर नहीं आते। वे तरह तरह के अफवाहें उड़ाते हैं, लेकिन सवाल के जवाब नहीं देते।
क्यों पुलवामा की घटना की जांच नहीं हुई, किसने किया विस्फोट, सुरक्षा की चूक कैसे हुई, कैसे कश्मीर के एक संवेदनशील इलाके में इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स लाया गया, पुलवामा चुनाव के साथ खत्म हो गया। अब तो सीएए और एनआरसी का डर दिखाया जा रहा है। क्यों भारत का नागरिक कतार में खड़े होकर अपनी नागरिकता नागरिक होने का प्रमाण देगा, और प्रमाण आएंगे कहाँ से, गरीब कहाँ से अपने पुरखों का दस्तावेज लाएगा, आदिवासी कैसे जुटाएगा अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र, तो फिर हम सब डिटेंशन सेंटर में ठूस दिए जाएंगे। मेरी जिम्मेदारी अपने नागरिकों की सुरक्षा करना है, और मैंने घोषणा की है कि एनआरसी पर हस्ताक्षर मैं नहीं करूंगा। मैं अपील करना चाहता हूं हर जिम्मेदार और समझदार नागरिक देश में ऐसे सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरह इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दे। देश में बहुत से लोग विरोध कर रहे हैं, भीड़ उमड़ रही है, लेकिन इस भीड़ और इस विरोध से आगे भी सोचना होगा। हमने 9 बरस पहले अरब स्प्रिंग देखा था। हम सभी लोकतंत्रवादियों को लगा था कि यह एक ताजी हवा है, तानोशाहों से छुटकारा मिलेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन ट्यूनीशिया के अलावा हर जगह क्या हश्र हुआ हम सब ने देखा है। वही लोग फिर पिछले दरवाजे से सत्ता के दहलीज के करीब पहुंच गए हैं। सौभाग्य है हमें गांधी, नेहरू, अंबेडकर लोकतंत्र सौंप गए हैं। हमें उस लोकतंत्र के मूल भावना की रक्षा करनी है और लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। इसके लिए जरूरी है हम भारत के हर नागरिक को उसके अधिकार सौंपते चलें और उन्हें एहसास दिलाएं कि वे देश के लिए नहीं बने हैं, बल्कि उनसे यह देश बना है। इस सम्मेलन में हम सबको मिलकर विचार करने का अवसर दिया है कि लोकतंत्र के संक्रमण काल में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, हम छद्म राष्ट्रवाद से कैसे जूझेंगे, और पंथ निरपेक्ष के प्रति प्रतिबद्धता के साथ सभी लोगों को साथ लेकर चल सकेंगे। यह समय राजनीति का जवाब राजनीति से देने का है। चाहे वह वन अधिकार का मामला हो, चाहे खाद्य सुरक्षा का या फिर स्वास्थ्य का, हमें नागरिकों को अधिकार संपन्न बनाना ही होगा। हमें उनके अधिकार लौटाने होंगे। हमारी सरकार बनी तो हमने किसानों के कर्ज माफ किए। देश और दुनिया में सबसे ज्यादा कीमत धान का हमने दिया, 2500 रुपये क्विंटल में खरीदा। आदिवासियों की जो जमीन ली गई थी उसे वापस किया। उनके स्वास्थ्य के विशेष इंतजाम किए गए हैं। आदिवासी इलाकों में बरसों से बंद पड़े स्कूल फिर से शुरू किए गए हैं। कुपोषण के खिलाफ अभियान हमने शुरू किया है। नतीजा यह है कि मंदी के इस दौर में छत्तीसगढ़ में मंदी का कोई असर नहीं है। नक्सली घटनाओं में पिछले 5 वर्षों में सबसे कम घटना इस वर्ष हुई है। यह समय बिना थके लड़ने का है। यह समय लोकतंत्र के हितों के त्याग करने का है। यह समय लोकतंत्र के हित में त्याग करने का है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि छत्तीसगढ़ में विगत 1 वर्ष में हमारी सरकार है, और इस 1 वर्ष में हमने आसन्न खतरों और चुनौतियों का मुकाबला किस तरह किया है। मेरा मानना है कि आजीविका, जल, जंगल, जमीन और अपनी संस्कृति से बेदखल करने का खतरा इंसान को बहुत जल्दी कमजोर करता है। इसलिए हमारी सरकार ने पिछले 1 वर्ष में इस दिशा में सबसे ज़्यादा काम किया है, ताकि जनता एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो सके। अभी हमने 27, 28 और 29 दिसंबर को राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया, उसमें 19 से ज़्यादा सफलता मिली। सात देशों के 24 राज्यों के
तीन यूनियन टेरिटरी के 1800 आदिवासी सांस्कृतिक कर्मियों ने अपनी प्रस्तुति दी। हमने राज्य दलों का गठन भी एक लंबी प्रक्रिया के से किया, जिसमें ब्लॉक जिला स्तर से पर प्रतियोगिता रखी, जिसमें लगभग 40,000 लोग की भागीदारी थी। वहीं हमारा संदेश दुनिया में कई देशों में पहुंचा और वहां के आदिवासी भी यहां आकर प्रदर्शन करने के लिए आए। इससे अपनी मूल संस्कृति से प्यार करने का जज्बा और मजबूत हुआ है। हमने अपने राज्य में किसानों और आदिवासियों की आय बढ़ाने के लिए नए नए उपाय किए हैं, जिसका असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मिला है, जिसका फायदा प्रदेश को मंदी की मार से बचाने में मिला है। हम अपने नए कार्यक्रम नरवा गरवा घुरवा बारी के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थायी रूप से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इसमें हमें मजबूती मिलेगी। जब लोग गरीबी से बाहर निकलेंगे, शिक्षित और स्वस्थ होंगे, तभी देश के काम आएंगे, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा और तब जाकर ही छद्म राष्ट्रवाद की असलियत वे पहचान पाएंगे। हम सबको शुभकामनाएं कि हम इस समय एकजुट होकर संघर्ष कर सकें और देश को संकट से उबार सकें। आदरणीय साथियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ये निवेदन करना चाहता हूं, भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात कही है। भारत ने भारत के लोकसभा में हमारे बसु जी भी महंत जी भी सांसद रहे हैं। वो हमेशा जब लोकसभा में प्रवेश करते हैं वहाँ लिखा हुआ है अयम निजा परोवेति गणना लघुचेत साम। तो ये जो वाक्य है हमारे उदार चरित्र को बताता है, लेकिन हमारा जो व्यवहार है वो किस प्रकार से संकुचित होते जा रहा है, ये सबसे ज़्यादा चिंतनीय है और इसी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। अभी जिस बिना कारण के देश को आग में झोंका गया है, ये मूल समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए किया गया है। हम सब की जिम्मेदारी बनती है, जितने भी शांति दूत आए हैं उसकी जिम्मेदारी बनती है कि शांति के रास्ते पर चलकर ही ये जो NRC और CAA के झोंका जा रहा है, इससे हम बच सकते हैं।